सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा की। गृहमंत्री ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किया पेश। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित का संचालक मंडल स्थायी रूप से निलंबित। नए संचालक मंडल के अध्यक्ष होंगे कलेक्टर। जल शक्ति अभियान के तहत जल बचाने के लिए जागरूकता लाने भिलाई में निकाली गई रैली। सीआईएसएफ के जवानों ने लिया भाग। और सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में आज विपक्ष के शोर शराबे के बीच सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया। सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव भी सदन में रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक और प्रस्ताव सदन में पेश किए। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार बदला जाएगा। गृहमंत्री की घोषणा के बाद कांग्रेस, वामपंथी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पीडीपी, आरजेडी और अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा किया। उत्तेजित सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। शोर शराबे के बीच जम्मू कश्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्य की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है और प्रमुख नेता नजरबंद कर दिए गए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने को उचित ठहराया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 लाने के लिए यही विचार था कि इसे बाद में हटा दिया जाएगा, लेकिन किसी राजनीतिक दल ने ऐसा करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। विधेयक पर बोलते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सरकार के विधेयक का उनकी पार्टी समर्थन करती है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए एनडीए सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इससे बड़ा निर्णय नहीं लिया गया और भारत की 70 और 35 को समाप्त करने की बात हुई, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम हुआ। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, अमित शाह जी को बधाई देना चाहूंगा और पूरे देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई दूंगा कि ये निर्णय देश में एक नया इतिहास रचेगा और निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक क्षण में हम और आप इसकी गवाह है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। 70-72 साल के इंतजार के बाद इतना बड़ा निर्णय हुआ, प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत जोगी ने कहा कि अनुच्छेद 370 का हटाया जाना कश्मीर सहित पूरे देश की जनता के लिए उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि इससे कश्मीर के नागरिकों को भी देश के अन्य नागरिकों के समान सुविधाओं की पात्रता होगी। एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है
राज्यसभा में हमारे गृहमंत्री जी ने जो रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया है, जो अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया है, वो वास्तव में देश के लिए एक मील का पत्थर है। देश के लिए, उसकी अखंडता और एकता के लिए एक महत्वपूर्ण लंबी छलांग है। हमारी पार्टी जनता कांग्रेस इसका पूरी तरह से समर्थन करती है। इससे जो बहुत से फायदे होंगे, मैं सोचता हूँ कश्मीर समस्या का पूर्णकालिक हल निकलेगा। नागरिकों ने भी केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। और किसी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जो मोदी सरकार ने दिखाई है। पहली बार किसी सरकार ने हिम्मत दिखाते हुए इसको हटाने का प्रस्ताव लाया है, जो स्वागत योग्य है। इससे सबसे पहले तो अगर ये आर्टिकल 370 हटता है तो पूरे भारत देश में, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सभी में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा। एक देश एक कानून का समय आ जाएगा। और जो असुविधाएं थी भारत के अन्य लोगों के लिए कश्मीर के संबंध में, कि ना कश्मीर में जाके बस सकता है ना प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वो सभी समाप्त हो जाएंगे और लोगों को इससे फायदा होगा, कश्मीर को फायदा होगा इससे। भारत 370 तो बहुत पहले ही हटना था और लोगों को तो बहुत इसमें उत्साह दिख रहा है। धारा 370 के हटने से जनता काफी उत्साहित है। पूरे देश में एकता का माहौल होगा, एकता बनेगी पूरे देश में, अखंडता रहेगी और लोगों को बहुत इससे फायदा होगा। सभी लोग बेरोटो कहा जा सकेंगे और जो आतंकवादी है, जो अलगाववादी, उनके हौसले पस्त होंगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में आयुष्मान योजना बंद नहीं हुई है, वह पहले की भांति ही चल रही है। राजनांदगांव जिले के सोमनी में 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करते हुए श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को जिला खनिज न्यास मद से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कथित तौर पर झोला छाप डॉक्टर कहे जाने वाले लोगों को उनके कोर्स के अनुसार तय सीमा तक इलाज करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कोर्स से बाहर के क्षेत्र में जाकर इलाज करने पर कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाएगा। हम लोगों ने जो विचार किया है वो यही किया है, जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं या एक स्तर के डिप्लोमा या डिग्री हासिल किए हुए नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, उनने किस बाबत डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया, उस डिप्लोमा और डिग्री के आधार पे सरकार उनको जिस स्तर के उपचार के लिए अनुमति देगी, उस स्तर के उपचार के लिए उनको ताला बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन उसको लांघ के अगर जो उनके कार्य क्षेत्र की बात नहीं है, वो गतिविधि में अगर वो संलग्न होंगे तो उनको रोका जाएगा। इसके बाद श्री सिंहदेव ने राजनांदगांव के जिला कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। राजनांदगांव और कवर्धा जिले में संयुक्त रूप से संचालित राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के संचालक मंडल को पंजीक सहकारी संस्थाओं ने स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद बैंक के संचालन की जिम्मेदारी कलेक्टर सहित नाबार्ड और उप पंजीयक के सदस्यों के हाथों में होगी। सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के द्वारा एक आदेश जारी कर राजनांदगांव कलेक्टर को संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नव नियुक्त संचालक मंडल के सचिव के रूप में जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार दिया गया है। बैंक के सीईओ सुनील कुमार ने बताया कि जिला सहकारी बैंक के संचालक मंडल के बारे में पंजीयक को लगातार अनियमितता की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई से पहले पंजीयक ने संचालक मंडल के सदस्यों से अनियमितता के संबंध में पूछताछ की थी। जो आदेश बैंक को प्राप्त हुआ है उसमें निलंबन है, निलंबन किया गया है और निलंबन अवधि में चूंकि जांच संधारित रहती है, इसलिए उस अवधि में बैंक के कार्य सामान्य रूप से संचालन के लिए प्रबंध समिति का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष कलेक्टर राजनांदगांव रहेंगे, मौर्य साहब रहेंगे और 3 अन्य सदस्य हैं जो शासकीय सदस्य हैं, बोर्ड जो प्रबंध समिति है उसके सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं सदस्य हैं और नाबार्ड डीडीएम सदस्य हैं।
गौरतलब है कि पंजे एक सहकारी संस्था ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए ये कार्रवाई की है। जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार जल शक्ति अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत आज भिलाई में जन जागरूकता रैली निकाली गई। जल बचाने के लिए जागरूकता लाने भिलाई इस्पात संयंत्र और CISF के अधिकारियों कर्मचारियों ने पैदल मार्च किया, जिसे BSP के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस तरह से जल शक्ति अभियान के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई द्वारा आज की यह रैली सेक्टर 3 से निकलकर इस मौके पर BSP के CEO श्री गुप्ता ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशानुसार जल के संरक्षण और सही उपयोग के लिए केंद्रीय औद्योगिक परिसर में लगे पौधों के सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम लगाया गया है। साथ ही संयंत्र के विभिन्न इकाइयों के बैरकों की छत से बरसाती पानी को पाइप के द्वारा जमीन में पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को जल संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये चाहता हूं कि इस तरह के मुहिम और वो प्रचार करें अपने जवानों में भी और उनके जवानों के जरिए हमारे पूरे नगरवासियों में भी ये मुहिम किया जाए और सबको इसके बारे में अवगत किया जाए कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। इस तरह के और भी चीज़ें जो प्रधानमंत्री ने भी इसके बारे में काफ़ी चिंता व्यक्त की है और उनके साथ पूरे देशवासियों के साथ हम हैं और हमारे CISF के जवान हैं और हमें सबको मिलकर जल को संरक्षण करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में मौजूद CISF भिलाई यूनिट के उपमहानिरीक्षक उत्तम कुमार सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पानी बचाने की अपील के बाद अर्धसैनिक बलों ने जल के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया है। इसके तहत वे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही स्वयं भी जल बचाने की मुहिम चला रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है जन शक्ति अभियान के तहत और सभी को उन्होंने एक बताया है कि आप इस आह्वान इस मुहिम से जुड़िए क्योंकि आने वाले दिनों में जो जल है जो मीठा पानी है या पोटेबल वाटर है उसकी बहुत कमी होती जा रही है क्योंकि इसका दोहन बहुत तरीके से किया जा रहा है और वृक्षों को भी काटा जा रहा है। तो जो जल संचय है जो भूगर्भ में जाना चाहिए उतना पानी नहीं जा पा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक अभियान को एक मुहिम इस मुहिम में शामिल हुए हैं इस अभियान में शामिल हुए हैं। रैली के दौरान लोगों को जल के अत्यधिक दोहन के खतरों से अवगत कराया गया। आज सावन का तीसरा सोमवार है। भगवान शिव की आराधना के इस पावन महीने में शिवधामों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। जांजगीर चांपा के शक्ति क्षेत्र के तुर्री धाम में भी भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तुर्री धाम के शिव मंदिर की खासियत है कि यहां एक ऐसी जलधारा बहती है जिसका उद्गम स्रोत अज्ञात है और ये जलधारा अन्य जलधाराओं के विपरीत बारिश में कम प्रवाहशील होती है, वहीं गर्मी में पूरे उफान पर। इस जलधारा का जल वर्षों तक खराब नहीं होता, इसलिए इसे ग्रामीण गंगा जल की मान्यता देते हैं। इस जलधारा से शिवजी का अभिषेक करने छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और बिहार समेत अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी यहां आते हैं। सावन में यहां 15 दिनों का मेला लगता है। वहीं महासमुंद जिले में भी सिरपुर के गंधेश्वर मंदिर को छत्तीसगढ़ का बैद्यनाथ धाम माना जाता है। गंधेश्वर महादेव शिवलिंग से आने वाली मनोहारी गंध के कारण भगवान शिव के यहाँ साक्षात होने की अनुभूति होती है, ऐसा शिव भक्तों का मानना है। इस मंदिर में गंधेश्वर महादेव के जलाभिषेक के लिए सिरपुर से 42 किलोमीटर दूर स्थित बमनी की श्वेत गंगा से जल लेकर कांवड़िए पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी के तट पर स्थित गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बालार्जुन के समय बाणासुर के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर को लेकर लोक श्रुति है कि बाणासुर भगवान शिव की पूजा करने के लिए काशी जाया करते थे और वहां से एक शिवलिंग भी ले आते थे। तब भगवान शंकर ने बाणासुर को स्वप्न देकर कहा कि तुम हमेशा काशी आकर पूजा करते हो, इसलिए मैं सिरपुर में ही प्रकट हो रहा हूँ।
तब बाणासुर ने कहा कि भगवान, मैंने सिरपुर में काफी संख्या में शिवलिंग स्थापित किया है, आप प्रकट होंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे। तब भगवान शंकर ने कहा कि जिस शिवलिंग से गंध आए उसे स्थापित कर पूजना। इस तरह गंधेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ और तब से यहाँ महादेव की पूजा होती चली आ रही है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।